हे गाइस, तो मैं काफ़ी टाइम से मतलब अलादीन पर मैंने वीडियोस बनानी छोड़ दी थी। मतलब मैं यूजुअली बनाता नहीं हूँ अलादीन पर, लेकिन दोस्तों आप में से ना काफ़ी सारे लोग मेरे को बोल रहे थे कि अलादीन नाम तो सुना होगा, सीरियल क्या बंद होने जा रहा है, इसके बारे में पता करो और इसके बारे में वीडियो बनाओ। तो गाइस, मैं आपको इस वीडियो में पक्के तौर पर बताने वाला हूँ क्या अलादीन सीरियल सच में बंद होने जा रहा है। तो गाइस, ये वीडियो आपको पूरी आखिर तक देखनी है। उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर अमेज़न और फ्लिपकार्ट की फेस्टिवल सेल स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें बहुत ही भारी भारी डिस्काउंट आने वाले हैं। अगर दोस्तों आप डील्स वगैरह चेक करना चाहते हो कि यार आपके मतलब की कोई है या नहीं है, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों सेल के लिंक मिल जाएंगे। ये वीडियो देखने के बाद आप चेक करना ना भूलें। तो अब दोस्तों अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अलादीन नाम तो सुना होगा सीरियल का सेकंड सीजन चल रहा था, जिसमें कि जो अलादीन होता है वो अली बनकर वापस आता है खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए, और जो जफर है उसका पर्दाफाश करने के लिए। तो गाइस, यहां पर जो अली होता है वो पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वो जफर का पर्दाफाश करे और खुद को बेगुनाह साबित करे। तो बेसिकली जो पूरा सेकंड सीजन होता है वो इसी स्टोरी पर बेस्ड होता है। अब दोस्तों, अगर आप अलादीन नाम तो सुना होगा कि एक रेगुलर दर्शक हैं, तो आपको पता होगा कि फाइनली जो अली है यानी कि अलादीन है, वो अब जफर का पर्दाफाश करने वाला है। मतलब कि वो सारे बगदाद वालों को दिखाने वाला है कि जफर एक्चुअली में वो क्या करता है, मतलब उसकी क्या सच्चाई है। तो वो सारे बगदाद के लोगों के सामने जफर का पर्दाफाश करने वाला है। अब दोस्तों, क्योंकि अलादीन फाइनली जफर का पर्दाफाश कर देगा, तो इसका ये मतलब है कि ये स्टोरी फाइनली उस मोड पर आ जाएगी जब ये स्टोरी खत्म हो जाएगी। तो गाइस, इसीलिए ज्यादातर लोग यही बोल रहे हैं कि क्या अलादीन सीरियल अब बंद हो जाएगा। सभी के मन में अब ये सवाल आ चुका है। तो दोस्तों, मैं इसका आपको साफ साफ जवाब बता देता हूँ कि नहीं, अलादीन सीरियल नहीं बंद होने वाला। यहाँ पर दोस्तों, जो अलादीन का रोल प्ले करते हैं सिद्धार्थ निगम, उन्होंने भी ये बात क्लियर कर दिया। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो जफर का जो पर्दाफाश हो जाता है सभी बगदाद वालों के सामने, तो भी यार वो जो जफर है ना, वो यार चुपचाप तो बैठने नहीं वाला। मतलब बहुत ही खूंखार तरह का आदमी है वो, और उसके पास चिराग वाला जिन भी है। तो गाइस, वो कुछ ना कुछ अटरम पटरम ऐसा कर सकता है जिसकी वजह से इस कहानी में ट्विस्ट आ जाए। तो गाइस, ट्विस्ट भी आ सकता है। और मान लो कि अगर जफर की कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है जफर का पर्दाफाश होने के बाद, तो भी दोस्तों यहाँ पर अलादीन सीरियल वालों के पास हमेशा चॉइस है सीजन 3 स्टार्ट करने की। जी हाँ दोस्तों, अगर जफर की स्टोरी खत्म हो जाती है तो यहाँ पर हमें डेफिनेटली सीजन 3 देखने को मिल सकता है। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि अलादीन सीरियल बिल्कुल भी बंद नहीं होने वाला, क्योंकि अलादीन सीरियल की जो टीआरपी है वो बहुत ही अच्छी आ रही है, जैसा कि हमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में बात कर चुके हैं। तो गाइस, अगर आपने इस हफ्ते की मेरी टीआरपी वीडियो देखी होगी, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो अलादीन की टीआरपी थी वो लास्ट वीक 1 थी और इस वीक 1.2 हो चुकी है। तो गाइस, यहां पर भी अलादीन को काफी ज्यादा टीआरपी में फायदा मिला है। तो दोस्तों, इन सब चीजों को देखते हुए ये बात मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ कि अलादीन सीरियल अब बिल्कुल भी बंद नहीं होने वाला। तो अलादीन के फैंस को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो के लिए हम लाइक्स का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स। देखते हैं दोस्तों, हम पूरा कर पाते हैं या नहीं। और दोस्तों, इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए नीचे ही लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसके साथ है बेल आइकन, दोनों को जरूर प्रेस कर देना ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाएं। और दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन में अमेज़न और फ्लिपकार्ट की सेल्स के लिंक भी आपको मिल जाएंगे, तो वो भी चेक करना ना भूलें। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।